दोस्तों, पेंशन पाने वालों के लिए सरकार की तरफ से तीन बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि कहीं आपकी पेंशन रुक ना जाए, इसी महीने 30 नवंबर तक आपको ये काम जरूर निपटाना है। और इस काम के बारे में भी आपको पता होगा कि वो क्या काम है। अगर आप भी पेंशन का लाभ उठाते हैं तो इस नवंबर महीने के अंत तक सभी पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। बेसिकली ये हर साल इस तरह का प्रूफ होता है जो सरकार को ये बताता है कि हम जिंदा हैं। पेंशन पाने वालों के लिए जिंदा होने का सबूत होता है, प्रमाण पत्र होता है, राइट। तो अगर आप ये काम नवंबर में नहीं निपटाते हैं तो दिसंबर में आपकी पेंशन रुक सकती है, ठीक है ना। तो पहला अपडेट तो ये रहा पेंशनर्स को, जल्द से जल्द ये काम निपटा लेना इसी महीने नवंबर तक, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से इसकी लास्ट डेट जो है 1 से 30 नवंबर तक रखी हुई है। तो 30 नवंबर तक आप सबमिट कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक 60 से 80 साल के आयु के जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी को इस नवंबर महीने के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। अच्छा, वैसे जमा कैसे कर सकते हैं? आप घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से काफी नई सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा 2 नए मोबाइल ऐप भी शुरू किए हुए हैं जिनके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एक तो आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप और एक दूसरा है जीवन प्रमाण फेस ऐप। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इन ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें पहले, तो फिर मोबाइल नंबर डालें, आपका फेस स्कैन करें, जरूरी जानकारी भरें फॉर्म वगैरह में और फिर फ्रंट कैमरा से फोटो लेकर सबमिट कर दें। बस इतना ही काम करना है और कोई ज्यादा मगजमारी वाला नहीं है। ये भी अगर आपको कठिन लगता है तो आप इससे भी आसान काम कर सकते हैं। अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर या अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ई मित्रा के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के उमंग ऐप के माध्यम से भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और आप पोस्टमैन सर्विस के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंशनर्स के लिए पहला अपडेट तो ये हो गया लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट को लेकर। दूसरा अपडेट देखिए दोस्तों, DLC के विशेष अभियान के पहले दिन ही तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों ने उठाया इसका लाभ। सरकार की तरफ से ये जरूरी जानकारी दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस की तरफ से हाल ही में दोस्तों एक नई सुविधा शुरू की गई है। बेसिकली ये पेंशन को मैनेज करने वाला सरकार का डिपार्टमेंट है। तो इसकी तरफ से DLC यानी डिजिटल जीवन पत्र के लिए जो अभियान शुरू किया गया, तो इस अभियान के पहले ही दिन देश में 1 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों ने इसका फायदा उठाया। ये अभियान का बेसिकली मतलब यही है दोस्तों कि जो सरकार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना चाहती है ना, तो उसकी प्रोसेस डिजिटली तरीके से लोगों को सिखाई जा रही है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, आप घर बैठे ही इन मोबाइल ऐप के जरिए भी ये सबमिट कर सकते हैं। तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये विशेष अभियान शुरू किया गया, ठीक है। और पेंशनर्स के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि जिला मुख्यालयों के भी अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से BDO और SDM को ज्यादा पावर दिया गया है, जिसके चलते पेंशन धारकों को तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर ही पेंशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ये फैसला UP की योगी सरकार की तरफ से लिया गया है बुजुर्ग पेंशनरों को राहत देने के लिए, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों पेंशन पाने वाले लोगों से जुड़े ये 3 छोटे बड़े अपडेट, नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।